दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एयर प्यूरिफायर को यूज करते समय हम क्या गलतियां करते हैं। एयर प्यूरिफायर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका हेपा फिल्टर होता है। इनकेस हेपा फिल्टर चोक होता है तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और उसके बाद हेपा फिल्टर को रिप्लेस करना पड़ता है। हेपा फिल्टर को कभी पानी से नहीं धोना चाहिए क्योंकि ये पानी से धोने पर खत्म हो जाएगा। हेपा फिल्टर को सिर्फ वैक्यूम क्लीनर की स्लो ब्लोअर मोड से ही क्लीन करना चाहिए बजाय सक्शन मोड से। एयर प्यूरिफायर की सही परफॉर्मेंस के लिए कॉर्नर में इंस्टॉलेशन की बजाय कमरे के बीच में इंस्टॉल कराने की कोशिश करना चाहिए। अगर एयर प्यूरिफायर को हम फ्लोर पर इंस्टॉल नहीं करते हैं तो हैवी डस्ट पार्टिकल्स फ्लोर पर सेटल हो जाएंगे और वहीं आपके रूम में सर्कुलेट होते रहेंगे, इसीलिए फ्लोर बेस्ड इंस्टॉलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर प्यूरिफायर को उन दरवाजे और खिड़कियों से दूर रखें जो लगातार प्रयोग में आते हैं, क्योंकि इनके पास होने से प्यूरिफायर की फिल्टर्स जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं। रूम के अंदर आपके एयर प्यूरिफायर का बेटर परफॉर्मेंस के लिए किचन से 2 से 4 फीट के डिस्टेंस पे रखें ताकि किचन से निकलने वाला धुआं उससे प्रभावित ना करें। एयर प्यूरिफायर में हेपा फिल्टर का लाइफ स्पैन अप्रॉक्सिमेटली 3000 आवर्स होता है। अगर आप इसे ऑफिस में 8 से 10 घंटे यूज करते हैं तो इसका फिल्टर 1 साल तक चल जाता है। अगर आप एयर प्यूरिफायर को 24/7 यूज करते हैं तो ये 4 से 5 महीने तक ही चलेगा। हेपा फिल्टर की लाइफ पॉल्यूशन लेवल पर भी डिपेंड करती है। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉल्यूशन लेवल ज्यादा या कम होता है तब भी हेपा फिल्टर की लाइफ वैरी करती है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए प्री फिल्टर को वीकली एक बार धो लेना चाहिए, स्पेशली दिवाली के टाइम और धूल प्रवण क्षेत्र में। एयर प्यूरिफायर की एक्सटर्नल बॉडी को लिक्विड स्प्रे और सॉफ्ट क्लोथ से साफ करना चाहिए। अगर आप एयर प्यूरिफायर को एसी के साथ यूज करना चाहते हैं तो प्यूरिफायर को एसी के इंडोर यूनिट के पास इंस्टॉल करें। अगर आप घर से ज्यादा टाइम के लिए बाहर हैं तो एयर प्यूरिफायर को स्विच ऑफ कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।